तुमच्या राईटला साल वेट करते हैं एंड हर बार कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं. इस बार का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है बिकॉज वो जो एरा है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज फुल फॉर्म में. तो अमित इज लाइक फैमिली, यू नो, व्हाटएवर ही सेज वी आर ऑलवेज एक्साइटेड. एनीथिंग कमिंग अप आफ्टर? यस, देयर इज अ सॉन्ग दैट इज कमिंग अप नेक्स्ट मंथ एंड उसके बाद अभी कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा काम से ब्रेक होगा बिकॉज यू ऑल नो व्हाई. Yes, wedding, मेरा गला भी खराब हो गया. How's the planning going on? The planning is very, very stressful, but इसमें भी अपना अलग ही मजा है. So मैं कोशिश कर रही हूँ as simple as possible I can. The dates fixed? We are invited. You guys are always invited everywhere of my life because आप लोगों ने ही बनाया सब कुछ. So I'm very excited to share the news very soon. Okay, Divya, what about Big Boss? Are you following? मतलब आई एम जस्ट सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लिप्स हियर एंड देयर, बट इतना शो फॉलो नहीं कर रही हूँ. पहले जैसा चार्म नहीं रहा उसका. जब हम पहले किसी भी डिनर टेबल पे बैठते थे, एवरीबडी यूज़ टॉक अबाउट बिग बॉस. लाइक इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ
the conversation of the table. But right now, I don't think so it's happening anymore. But this time, big names are there, like do you know anyone of them? There have always been big names with Big Boss. But जैसे कहते हैं ना शो शो हिट बनाते हैं वो लोग जो अंदर कुछ यू नो इफ दे कम अप विद समथिंग यू नो देयर इज समथिंग टू लर्न समथिंग टू हिट समथिंग टू लव बट द बिगर नेम विंस द बिग बॉस ओटीटी राइट आई वाजंट अ बिगर नेम देयर वर मेनी बिगर नेम्स बट या जो अच्छे से जवाब दे सकता है आई गेस दैट वन विंस सो लोगों को अभी जवाब देना शुरू करना पड़ेगा अंदर ओनली देन दे विल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू बाय किसको सपोर्ट कर रहे हो मैं सवाल बताओ दादा बिग बॉस देख रहे हो अमित जी का फोटो कैलेंडर लॉन्च है जी के बारे में शुरुआत से करते हैं क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में मैं अमित के साथ अभी सेकंड शूट है मेरा और अभी जो शूट किया ना उसमें सिर्फ मैंने इसके पहले भी बहुत लोगों के साथ काम किया बट उसने बहुत क्रिएटिविटी जितने मॉडल्स और जितने एक्टर आर्टिस्ट थे सबके साथ बहुत क्रिएटिविटी की और मेरे साथ वो जो कुछ आग वाला किया उन्होंने तो मेरे को सच्ची में उनके साथ उनकी टीम बहुत प्यारी है बहुत हम्बल इंसान है और बहुत क्रिएटिव पर्सन है मुझे बहुत मज़ा आया और जब ऐसे मेहनत वाले और क्रिएटिव पर्सन के साथ आप काम कर रहे हो तो आपके अंदर से भी कुछ ना कुछ निकलता है जो क्रिएटिविटी होती है थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आया और कॉन्ग्रेस उनको कि ये कैलेंडर शूट मुझे लगता है थीम के साथ जा रहा है हर साल कैलेंडर शूट होता है बट इस साल थोड़ा अलग किया है उन्होंने काफी कमाई कर यार पहले मुझे लगा था कि जो भी वर्कआउट करता है उनको लगता है कि उनकी साइज कम ना हो डोले शोलो की तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत पतला हो गया था अभी भी पतला ही तो बट उसके बाद वहाँ से चीज़ें कुछ नई निकलती है आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है या फिर आप नई नई चीज़ें सीखते हो तो लगता है कि नहीं नहीं ये जर्नी भी आपके वो सपनों वाली जर्नी तक लेके जाने के लिए भगवान ने दिया हुआ है तो वहाँ पे सीखने को मिल रहा है मुझे जो शायद मैं कई क्लासेस करूँ तो मुझे पैसे देना पड़ता था वो मुझे फ्री में सीखने को मिल रहा है उसके पैसे मिल रहे हैं मुझे झलक तो बड़ी बात है क्या लग रहा है जी अभी तक मेरी जर्नी पूरी नहीं हुई है जब मैं पूरी कर दूंगा जरूर बताऊंगा मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ सच्ची में नहीं कर रहा हूँ मैं क्लिप्स देख रहा हूँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं वो कुछ टिप्पणी ना दूं तो ज्यादा बेटर मैंने सबसे बेस्ट देखा है अंकिता और जो विक्की भाई के जो मम्मी आई थी उनकी जो क्लिप चल रही है और अलग अलग चीज़ें वही देख रहा हूँ अभी फिलहाल तो और अभी कुछ फाइट हुई है उन दोनों की बट मुझे दो तीन चार लोग जो जिनका गेम बेटर लग रहा है जो क्लिप्स के थ्रू बता रहा हूँ कि अंकिता विक्की अपना अभिषेक और मुनव्वर जो शायद मुझे लगता है कि वो अच्छा खेल रहे इसीलिए जो है ना थैंक यू मिलते झलक पे बुला, आज हो जाए।
आई वेटिंग के दे रहे कोना क्यों बोलते शिव रूम के कलर्स तो पूछ के डिसाइड कर रहे होंगे ना हमने खुला बहुत बड़ा ये किसको पूछूं वो डिसाइड कर रहा हूं बहुत बड़ा घर खरीदा आपने बहुत भाई यार बहुत बड़ा यहां पे मेरे अमरावती में इतना यहां पे खरीदा ना उसका बंगलो बन जाता था बट यहां पे सच्ची में मैंने सुना था कि पूरी लाइफ निकलती है अपने जैसे लोगों के मिडिल क्लास लोगों की कि पूरी लाइफ के बाद घर होता है अभी जाके उतना घर हुआ मेरे लिए बहुत बड़ा है मेरे लिए बंगलो ही होगा अब लाए वही भाई को बोला था कि धीरे धीरे झूमे भी लेंगे भाई पार्टी का थोड़ा लेफ्ट में आइए मैम मैंने देखा नहीं है बट आई वांट टू विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर एवरीवन आप डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं मैं क्या बोलूं मुनावर जीतेगा कि मुझे नहीं पता मैं देख ही नहीं रही हूं मैंने नहीं देखा हाउ कैन आई से ओके आपकी फिल्म शूट हो चुकी है साउथ में पूरी तरह से उसके बारे में हम बात एडिटिंग बात में एडिट हो चुकी है सब हो सर राइट में वेट अरे वो नीचे कर दो चलो राइट वेट Right, left.
Like when he literally just started. So I've been in his calendars before also, and I'm very excited to go and see all of the pictures of this theme. I love the theme. I think it's really glamorous. I'm very upset that he didn't call me for this theme. No. But yeah, he always does fabulous work. I've seen his growth as a photographer like from the beginning. So I'm just very proud of him. And what's the best part when you shoot with him? When I shoot with him? Okay, so firstly, we both are Leos, so we love each other because we understand each other, and he is just my teddy bear. He's such a sweetheart. He's so beautiful to work with. The energy is so good, and it's like work doesn't feel like work. You know, the shoot is just such fun, and we're like, you know, he gets lovely home food, like he always feeds us well, and the pictures turn out stunning until today. Like even if I posted, I think the last time I shot with him was in 2021. And if I repost those pictures, people still are enamored, you know. He captures something so beautiful. I like his work. I love him as a person, you know. Okay. So do you watch Big Boss this year? Oh God, I actually stopped watching Big Boss for quite a few years. I wasn't really watching it, but in between I was a little unwell, so I did start watching a little bit. But I'm not really following. Well, every year there are big names, you know. Also, yeah, I haven't watched my own season, by the way. Okay, was it good? Did you enjoy it? Thank you. Thank you. But, honestly, I feel like they've changed the format from what it originally was. And that's what's making a big mess out of this show. Because people are just coming in and koi bhi aa raha hai, koi bhi ja raha hai, information de rahe hai. You know what I'm saying? So, people can keep changing their track. So, that is one. They constantly find this need ki sabko jhagda hi karna hai. Hamare season mein jhagda ke alawa, you know, we were actually shouted at ki hum log jhagda nahi kar rahe the, you know, and Salman was very proud of us, but the team was very unhappy. Now jhagda ke alawa bhi entertainment ho sakta hai yaar. There was whatever, there was flirting, there's love, there can be so many things, there were so many friendships. I and Tanna had like the most beautiful friendship. I had made friends with so many people. We're still in touch, all of us. We still meet. This is our 10th year, so we're going to have a try and do a 10th year celebration with everyone. So I've made like amazing friendships from this show. But beyond, I mean, for us, there were 10, 11 weeks where we did not fight, you know, and in our season. And I still get messages where people say, we are re-watching your season because now it's very boring. You know, because how much will you watch fighting? You know, how much will you see screaming, shouting? Uske aage bhi kuch hai. You know, when people are screaming and shouting, हमको समझ में भी नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं टीवी पे, यू नो. सो ओके, मतलब का झगड़ा हो या चलो यार कंपटीशन हो रहा है, यू नो, कंपेटिटिव है हम लोग, तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, ओके, ठीक है. लेकिन उसके आगे भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना. ये तो सीजन मतलब मुनावर का पर्सनल लाइफ के उधर चला गया, फिर अंकिता और उसका पति का कुछ दूसरा दुख की स्टोरी चल रहा है उनका. मतलब ये तो कुछ सास बहू टाइप सीरियल लग रहा है मुझे, यू नो, बहुत बोरिंग है. और उसके बीच में वो सिंगल मनारा फंसी हुई है, तो क्या ही हो रहा है, यू नो. इट्स लाइक आई फाइंड इट अननेसेसरी. वेयर इज द एंटरटेनमेंट? वेयर इज द फन इन द टास्क? वेयर इज द, यू नो, नन ऑफ दोस थिंग्स. लोग तो आके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बाहर से, फायदा ही क्या है, यू नो. इट डजंट मेक सेंस. लाइक द फॉर्मेट ही चेंज हो गया, यू अंडरस्टैंड. एंड इट्स नॉट द कंटेस्टेंट्स फॉल्ट, इट्स द मेकर्स फॉल्ट. थैंक यू. Thank you.
I am very excited. So Amit, I know Amit from a very long time. And this is the first time कि हमने कैलेंडर के लिए शूट किया है. हालांकि हमने शूट किया है पहले, बट when he asked me कि Jamie, I need you for the calendar, I was very surprised. Because as you know, मेरा काम कॉमेडी में है and I don't do like modeling and all of that. And I don't have the face of a model. So I was very surprised, but I am so excited and the picture has come out great. So I'm very, very happy. Anything coming up recently or movie? Tell us something about your upcoming project. Yes. Very exciting year for me. Pehli baat, Feb mein, I'm doing my first Jamie Leave a Life show in Mumbai. Okay. So I'm very excited about that. It's my comedy special. And then my film is releasing Crack with you, Jamwal ji. Everybody knows him and I love him. And yeah, my film is coming with him. And then I'm doing my first Telugu film. So it's a great year for me and I'm super excited. All the best. Thank you so much. Thank you. वेल आई थिंक अमित खन्ना जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फोटोग्राफर्स हमारी कंट्री में आज की तारीख में. इनका काम तो मैं कब से देखता आ रहा हूँ, अब उनके साथ काम भी किया है मैंने. वी हैव डन सम एड फिल्म्स टुगेदर और अब होपफुली वील बी डूइंग अ फिल्म टुगेदर ऑल्सो इंशाल्लाह, गॉड बी विलिंग. और इनका ये जो कैलेंडर लॉन्च है, लास्ट ईयर भी हुआ था, मैं मिस कर गया था. दिस टाइम आई मेड श्योर दैट आई हैड टू बी हियर बिकॉज अंकित भाटिया जी जो है, जिनकी इनकी कंपनी है ए स्क्वायर एंटरटेनमेंट, बहुत ही प्रिय मित्र है. एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आई होप कि किसी दिन वो लोग मुझे भी एक कैलेंडर में यूज़ करें एज ए मॉडल. यस वेल मेहंदी वाला घर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशन से भरा हुआ शो बन रहा है. बहुत टाइम के बाद आपको एक प्योर इमोशन वाला शो देखने को मिलेगा. इसमें कोई वैम्प अपनी आंखें ऐसे कर मटका के बातें नहीं करने वाली है. इट्स ऑल गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इमोशनल शो. मेरा किरदार है भाई, एक भाई का, विजय नाम है उसका, जो कि नंबर टू का भाई है. एंड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फन लविंग, प्यारा सा बंदा है. लेकिन उनके फैमिली में कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उसका भाई घर छोड़ के चला जाता है. एंड दैट फोर्सेज हिम टू ऑल्सो लीव होम. और फिर 24 साल बाद वो लोग वापस आते हैं. अब वापस आके क्या होगा, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग. थैंक यू. बिल्कुल भी नहीं. थैंक यू गाइस. अमित और मेरा एसोसिएशन तकरीबन 5 साल का है. आई थिंक उन्होंने बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं और बहुत खूबसूरती से वो पिक्चर्स खींचते हैं. इनफैक्ट मेरा मैं बहुत टफ हूँ एज अ पर्सन टू शूट करने के लिए. मेरे अपने टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, पर आई थिंक वो बहुत ही खूबसूरत से मेरे कलेक्शंस को प्लस मुझे उन्होंने शूट किया है. इनफैक्ट मेरा वृंदावन गाथा, मेरा फॉयल फैंटेसी कलेक्शन जो आने वाला है वही शूट कर रहे हैं, और वृंदावन गाथा भी उन्होंने शूट किया था. आज उनका कैलेंडर लॉन्च है तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.
मे लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज ब्लेस हर। आपको क्या लगता है, आपने विजय से पूछ लिया बिग बॉस का, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला? वेल मैं तो अंकिता और अभिषेक को ही रूट कर रहा हूँ। आई थिंक दे आर टू कंटेस्टेंट्स ऑफ माय फेवरेट एंड आई विश दोनों में से कोई भी जीते मेरे को बहुत खुशी होगी। गुनावर के बारे में क्या लगता है, चीजें बाहर आई जी आई थिंक सो उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। हर इंसान की एक एक अपनी निजी जिंदगी होती है, उसको नेशनल टेलीविजन में लाना हमको किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो मैं उनके लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। आप गेम के प्रति बात कीजिए, किसकी पर्सनल लाइफ में क्या बाहर हो रहा है वो हमारी पर्सनल जिंदगी है, तो आई थिंक सो गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। जी जी जब आप उस घर में रहते हैं 24 घंटे तो आपके मुंह से 50 अच्छी बातें 50 बुरी बातें भी निकलती हैं। आप एक मुखौटा, एक फसाद, यू कांट पुट अ फसाद इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो आई थिंक अंकिता ने जो कहा वो जज्बातों पे कहा। आंटी उनकी बहू है तो आंटी को आई थिंक आंटी को उतना लोग ट्रोल कर रहे हैं, आई थिंक सम वेरी आई फील वेरी सॉरी फॉर हर, पर बहुत स्वीट है वो, हम लोग को बहुत इंटरचेंज किया उन्होंने, बहुत मजा आया। तो मैं आशा करता हूँ उसको हम मजाक मस्ती के तरह ले तो वही बेटर होगा। वेल टॉप थ्री में मैं अंकिता को डेफिनेटली देखता हूँ एंड मैं अभिषेक को देखता हूँ एंड मैं मुनावर को देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जैसे कि आपको पता है कि आगे आ रहे हो क्या कैमरे में? अच्छा, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हर साल अमित का कैलेंडर लॉन्च होता है और कैलेंडर होता है हर साल का। लास्ट ईयर भी बहुत सारे आप में से लोग हैं जो थे कैलेंडर पे और इस बार थीम दूसरी है और कुछ फेसेस वही हैं और कुछ अलग हैं, सेलिब्रिटीज़ नए। पिछली बार मैं भी था, इस बार मैं भी नहीं हूँ उसमें, बट मैं पीछे से प्रोडक्शन का काम कर रहा था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी कुछ मिनट बाद लॉन्च होने ही वाला है तो सारी पिक्चर्स सामने आ जाएंगी और आई एम श्योर कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस साल के कैलेंडर की, इस साल की पूछ रहे हो आप? इस साल हमने जो कैलेंडर किया उसमें प्रोडक्शन वाइज काफ़ी मेहनत लगी है, प्रॉप्स वाइज हमें, आप कोई भी जो भी पिक्चर देखोगे उसमें जो सेटअप जो आर्टवर्क हुआ है उसको जुटाने में काफ़ी मेहनत का काम था। तो हमने जैसे केज बनवाया पड़ा, मून बनवाना पड़ा और भी काफ़ी सी चीज़ें थी जो हमें क्रिएट करनी पड़ी। तो ये स्पेशल था कि काफ़ी, और आउटपुट भी अलग ही निकल के आया, जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ मिनटों में आपके सामने आ जाएंगी सारे पिक्चर्स। थैंक यू, थैंक यू। Wait, wait, wait. Go ahead, go ahead. He is busy like doing this.
चलो आओ इधर बिक्कू, ए बिक्कू इधर आओ, बिक्कू बिक्कू इधर आ, बदतमीज़ लड़का। You need to send these to me, they're so nice. ये कौन सा फिल्टर है कुत्ते? बस अब आ जाओ। हाँ अच्छा, I didn't know that. How are you? How are you?
थोड़ा पीछे पीछे राइट राइट कौन है जो यार एंड लास्ट ईयर द थीम वाज एवरीथिंग वाज वेरी इंडियन एंड वेरी रेट्रो दिस ईयर द थीम इज कंप्लीटली ग्लैम सो Is he your friend Munawar? I don't even watch Big Boss, I have no clue. No, is he your friend Munawar? Munawar is not a... Her name is Munira. Doesn't mean she is friends with her. No, I'm not. You guys are watching Big Boss. No, I'm not following Big Boss actually. You don't follow Big Boss. No, not following. मैं नहीं जा पाया तो इसलिए मैंने फॉलो किया भाग्यलक्ष्मी थाउजेंड भाग्यलक्ष्मी तो मतलब अब मैं फिर आपको रुकना पड़ेगा काफी देर तक भाग्यलक्ष्मी I think our first scene will always remain special. Jo hamara first time ever tha. Romantic and comedy, the way we built it up. I think that will always remain special. Otherwise, agar scene wise bolne jaun to humne itne sare scene kar liye aur itne acche kar liye ki choosing one scene would be very difficult. Yeah, that's true. So yeah, we are blessed to have Bhagyalakshmi in our lives. Very blessed. Two and a half years and counting. Very blessed. Thank you. Thank you.